क्या आपको पता है कि इवेंगेलियन के क्रिएटर हिदेयाकी आनो ने हायाओ मियाज़ाकी की फिल्म द विंड राइजेस में मेन कैरेक्टर जीरो को वॉइस किया है। मैं जानता हूं कि मेरी तरह आपको भी ये सुनकर झटका लगा होगा, एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, मियाज़ाकी भी उतने ही शॉक में थे जब उनको ये आइडिया सजेस्ट किया गया था। लेकिन प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट को छोड़ के मियाज़ाकी ने एक डायरेक्टर को क्यों चूज किया जिसके पास वॉइस एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है? पहला है कि जीरो होरिकोशी को फिल्म में 1920s के एक इंटेलेक्चुअल की तरह दिखाया गया है, एंड अकॉर्डिंग टू मियाज़ाकी उस टाइम आम लोग उन इंटेलेक्चुअल्स की वॉइस सुनकर ये फिगर आउट नहीं कर पाते थे कि वो एक्चुअली क्या सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं, एंड आनो की वॉइस इस चीज को परफेक्टली मैच करती थी। दूसरा रीजन ये है कि मियाज़ाकी इस फिल्म की मदद से मेटाफोरिकली अपने खुद के करियर को दिखाते हैं, एंड हिदेयाकी आनो की करियर जर्नी भी ऑलमोस्ट सेम चीजों को रिफ्लेक्ट करती है। दोनों ने एक दूसरे के साथ काम भी किया हुआ है, एंड टू दिस डे बोथ ऑफ देम शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद ईच अदर। इसलिए आनो वॉज द परफेक्ट वॉइस फॉर जीरो।